तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। आज के दिन सबसे पहले बात करने वाले हैं आज के दिन की सबसे बड़ी अपडेट के बारे में। इंडिया के नवंबर मंथ के इन्फ्लेशन के नंबर्स निकल कर आ चुके हैं और आरबीआई ने पिछले 11 महीने की सबसे बड़ी खुशखबरी यहां पर दी है। जी हां दोस्तों, यहां पर कल के दिन जो प्रेडिक्शन हमें देखने को मिल रहे थे कि नवंबर मंथ के इंडिया के जो इन्फ्लेशन के नंबर है वो 6% से लेकर 7% के बीच में हमें देखने को मिल सकते हैं, लेकिन जैसे ही आज इवनिंग सेशन में 6 बजे नंबर्स निकल कर आए, बाजार में खुशी का माहौल है और कल के दिन बाजार आपको अगेन बुल रन में देखने को मिल सकता है। उसके पीछे का कारण है कि इंडिया के नवंबर मंथ के इन्फ्लेशन के जो नंबर है वो 6% से भी कम के निकल कर आए हैं, यानी कि 5.8% का इन्फ्लेशन रेट यहां पर निकल कर आया है, जो कि पिछले 11 महीनों में सबसे लोवेस्ट देखा जा सकता है। इस न्यूज के आने के बाद में इसका असर हमें निफ्टी फ्यूचर के ऊपर भी देखने को मिल चुका है। निफ्टी फ्यूचर भी हमें पॉजिटिव ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है, जिस कारण से एक प्रिडिक्शन यहां पर लगाया जा सकता है कि कल के दिन बाजार आपको गैप अप देखने को मिल सकता है। वहीं अगर FII और DII की एक्टिविटी के ऊपर नजर मारें तो आज के दिन FII ने नेट 138 करोड़ रुपए की बिकवाली करी है, लेकिन उसी के अगेंस्ट में DII की तरफ से 695 यानी कि 695 करोड़ रुपए की खरीदारी करी गई है। तो कहीं ना कहीं अभी भी बाजार के अंदर FII उतने बड़े लेवल पे बिकवाली नहीं कर रहे हैं, जिस कारण से आपको पैनिक लेना पड़े, और DII कंटिन्यूसली बाजार में काफी अच्छी खरीदारी करते हुए हमें देखने को मिल रहे हैं। तो ओवरऑल सेंटिमेंट काफी पॉजिटिव है कल के बाजार को लेकर। तो यदि आपने पोजिशंस ले रखी है तो आप लेवल्स को ध्यान में रखते हुए अपनी पोजिशंस को कंटिन्यू कर सकते हैं। बात कर लेते हैं अनदर अपडेट के बारे में, जो कि टाटा ग्रुप से निकलकर आ रही है। रिसेंटली आपको पता है कि टाटा ग्रुप ने एप्पल के साथ में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डालने का डिसीजन लिया है इंडिया के अंदर, लेकिन अब टाटा ग्रुप इंडिया के अंदर 100 से भी ज्यादा यहां पर एप्पल स्टोर्स को ओपन करने वाली है, जिसकी न्यूज आज ही के दिन निकल कर आई है। अब देख पाएंगे टाटा ग्रुप में सुन ओपन एक्सक्लूसिव एप्पल स्टोर्स इन इंडिया। स्टोर की जानकारी भी यहां पर कंपनी ने खुद आगे आके कही है। आप देख सकते हैं, इनिशिएट रिटेल इज सेट टू टर्न इनटू एन एप्पल फ्रेंचाइजी पार्टनर विद द इंटेंट ऑफ ओपनिंग 100 सच आउटलेट्स ऑफ 500 टू 600 स्क्वायर फीट ईच एट मॉल एज वेल एज हाई स्ट्रीट। तो यहां पर काफी शानदार आउटलेट्स अब हमें ओपन होते हुए देखने को मिलने वाले हैं। अगर आप इस पर डिटेल वीडियो चाहते हैं कि ये आउटलेट्स ओपन होने से किन शेयर होल्डर्स को सबसे ज्यादा बेनिफिट होगा, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। बात कर लेते हैं नेक्स्ट शेयर के बारे में, जिसका नाम है जेपी पावर वेंचर्स लिमिटेड, जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड, जहां पर आज के दिन आपको स्पेनिश स्टॉक्स के अंदर 10% से भी ज्यादा की तेजी देखने को मिल रही है। बात करें इस कंपनी की, तो पिछले 6 महीने के अंदर इस कंपनी ने 22% से भी ज्यादा के रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को बनाकर दिए हैं, और अब ये शेयर्स भी आपको बहुत जल्दी 10 रुपए के अबव जाते हुए देखने को मिल सकता है। उसके पीछे का एक बहुत बड़ा रीजन हमें देखने को मिल रहा है, जेपी ग्रुप की ही कंपनी जेपी ग्रुप असेट को यहां पर एक्वायर कर लिया है डालमिया भारत इंक्स ने। यहां पर आप देख सकते हैं, ये डील हमें आज के दिन कंक्लूड होते हुए देखने को मिल रही है। ये डील 5,666 करोड़ यानी कि 5,660 करोड़ रुपीज में कंप्लीट हुई है, जिसमें आप देख सकते हैं सीमेंट मेजर डालमिया भारत लिमिटेड हैज इंटर्ड इनटू अ बेंडिंग फ्रेमवर्क एग्रीमेंट टू एक्वायर सीमेंट। तो यहां पर जो जयप्रकाश एसोसिएट लिमिटेड एंड इट्स एसोसिएट ओवरऑल कंसिडरेशन टू बी पेड फॉर दिस एक्विजिशन विल बी रुपीज 5,666 करोड़ रुपीज। तो यहाँ पर 5,666 करोड़ रुपये में जो जेपी सीमेंट थी वो यहाँ पर डालमिया भारत लिमिटेड को बेच दी गई है। काफ़ी बड़ी अपडेट हमें आते हुए देखने को मिल रही है। वहीं अगर हम नेक्स्ट शेयर की बात करें, जिसका नाम है महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड, आज के दिन ही शेयर्स के अंदर कोई बड़े मूवमेंट तो देखने को नहीं मिले, लेकिन महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड की तरफ से एक बड़ी अपडेट जरूर देखने को मिल रही है। कंपनी ने आज के दिन अपने मंथली प्रोडक्शंस के नंबर्स डिक्लेयर किए हैं। मंथली जो यहां पर कंपनी के नवंबर मंथ के नंबर से वो यहां पर डिक्लेयर करे गए हैं, जहां पर कंपनी की सेल्स के अंदर 96% की ग्रोथ हमें ईयर ऑन ईयर बेसिस पर देखने को मिल रही है, जिस कारण से कल के दिन भी महिंद्रा के अंदर काफी अच्छी जंप हमें देखने को मिल सकती है। और सबसे ज्यादा वाला वेरिएंट जो हमें इनका देखने को मिल रहा है वो XUV 300 और साथ ही साथ बोलेरो देखने को मिल रहा है। वहीं XUV 700 के अंदर भी डिमांड काफी ज्यादा बढ़ गई है, जिस कारण से महिंद्रा एंड महिंद्रा के अंदर अगर आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो इस शेयर्स के ऊपर भी आप कल के दिन नजर बनाए रख सकते हैं। बात कर लेते हैं अनदर शेयर के बारे में, जिसका नाम है केपीआई ग्रीन एनर्जी लिमिटेड। आज के दिन केपीआई ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के अंदर कोई बड़े मूवमेंट तो देखने को नहीं मिले, लेकिन आज के दिन कंपनी के तरफ से जो 1:1 के रेशियो का बोनस शेयर्स अनाउंस किया गया था, उसकी रिकॉर्ड डेट कंपनी ने यहां पर अनाउंस कर दी है।
एपीआई ग्रीन एनर्जी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की आज के दिन मीटिंग्स थी, जिसके अंदर 1:1 के बोनस के लेकर जो रिकॉर्ड डेट थी उसे अनाउंस कर दिया गया है। कंपनी ने 18 जनवरी 2023 बोनस डेट यहां पर कि बोनस की जो रिकॉर्ड डेट है वो यहाँ पर फिक्स करी है, यानी कि 17 जनवरी हमें एक्सडेट देखने को मिलेगी। और 17 जनवरी के पहले अगर आप इस शेयर्स के अंदर निवेश करते हैं तो आप यहाँ पर बोनस शेयर्स के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। कंपनी ऑलरेडी काफ़ी अच्छे रिटर्न्स पास में अपने इन्वेस्टर्स को बनाकर दे चुकी है और फाइनेंशियली भी कंपनी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हमें देखने को मिलती है। तो यदि आप केपीआई ग्रीन एनर्जी के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप इस शेयर्स के साथ में जा सकते हैं। लेते हैं लास्ट शेयर के बारे में, जिसका नाम है HCL टेक्नोलॉजी लिमिटेड। आज के दिन HCL टेक के अंदर कोई बड़े मूवमेंट तो देखने को नहीं मिले, लेकिन इस शेयर्स को लेकर आज के दिन शेर खान की तरफ से बाय की रेटिंग निकल कर आ रही है और 1140 रुपए के टारगेट HCL टेक को लेकर निकल कर आ रहे हैं। बात करें HCL टेक को लेकर क्या बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है, तो आज के दिन HCL टेक ने एक पार्टनरशिप करी है। ये पार्टनरशिप भी आप देख सकते हैं आज के दिन ही कंप्लीट हुई है, मॉडर्न इंटरनेशनल एक्सपांड पार्टनरशिप विद HCL टेक टू सुपर चार्ज डिजिटल वर्कप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन। तो इस पार्टनरशिप से कंपनी को एक बूस्ट मिलेगा और अल्टीमेटली कंपनी के रेवेन्यू के अंदर भी काफी अच्छी ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी। HCL टेक के अंदर अगर आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा है, IT सेक्टर अभी अंडर प्रेशर है, जिस कारण से यहां पर HCL टेक के अंदर भी अगर आपने निवेश कर रखा है तो यहां पर आप अपनी पोजीशंस को होल्ड करते हुए चल सकते हैं।